स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मेहता डिजिटल क्लासेस। हाउ आर यू? आई होप ऑल आर यू फिट एंड फाइन। स्टूडेंट्स, टुडे विल बी डिस्कस आवर टॉपिक नंबर एंड न्यूमेरिकेशंस। हमने एक्सरसाइज फर्स्ट के 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। उसमें हमने एक्सपेंडेड फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म एंड किस प्रकार हम एक्सपेंडेड फॉर्म में जो डिजिट होते हैं उनको किस प्रकार शो करते हैं और उनकी जो डिजिट होती हैं उनको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं। 4 क्वेश्चन अपना, राइट द पैलेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ द इन सर्किल डिजिट। मतलब कुछ नंबर्स दिए हुए होते हैं, उनमें से हमें पैलेस वैल्यू और फेस वैल्यू देखे लिखनी है। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि पैलेस वैल्यू और फेस वैल्यू होती क्या है। देखो, फेस वैल्यू जो नंबर्स दिए होते हैं उनमें ऑलरेडी हमें रिमार्क दिया होता है, गोला दिया होता है, वो उसकी क्या होती है, उसकी फेस वैल्यू होती है। मतलब ये जो हमने नंबर दे रखा है उस पर 3 पे क्या है, सर्किल है, इसका मतलब ये इसकी क्या हुई, फेस वैल्यू। तो ये कितना हुआ, 3। फेस वैल्यू तो ऑलरेडी हमें जो नंबर्स दिए होते हैं उन पे सर्किल होता है, वो मालूम रहता है कि ये इसकी क्या है, फेस वैल्यू। लेकिन हमें पैलेस वैल्यू लिखनी आनी चाहिए। देखो ये क्या है, 3567, ठीक है, ये डिजिट दिया हुआ है, उसमें से हमें क्या लिखना है, इसकी पैलेस वैल्यू। देखो इसमें फेस वैल्यू कितनी है, 3 के बाद कितने डिजिट हैं, 3। तो हमें पता है 1000 की फॉर्म में कितने डिजिट आते हैं, 3। देखो ये कितना है, 3, 1, 2, 3। तो पैलेस वैल्यू कितनी उसकी, 3000। आई थिंक सबको समझ में आ गया, ठीक है। इसके बाद सेकंड नंबर देखो कितना है, 7698। मैंने क्या बताया था कि जो फेस वैल्यू होती है जिस पे सर्किल होता है वो उसकी क्या होती है, फेस वैल्यू। इसमें इसकी फेस वैल्यू क्या हुई, 6, ठीक है, 6 हो गई। इसके बाद देखो हम इसकी क्या लिखेंगे, पैलेस वैल्यू। पैलेस वैल्यू में जिस पे सर्किल होता है उसके आगे वाले डिजिट को हम लिखते हैं। देखो 6 किस फॉर्म में है, 1000 फॉर्म में, तो ये कितना आएगा, 6000, ठीक है। इसके बाद सी वाला देखो कितना है, 2480। इस पे सर्किल किस पे है, 8 पे, तो इसकी फेस वैल्यू कितनी हुई, 8। अब हमें क्या लिखना है, इसकी पैलेस वैल्यू। पैलेस वैल्यू लिखने के लिए जो सर्किल होता है उसको देखते हैं कि वो किस फॉर्म में है। देखो यहाँ पे सर्किल किस पे है, 8 पे है, इसका मतलब 8 कौन सी फॉर्म में, यहाँ पे टेंस फॉर्म में, ठीक है। तो कितना होगा यहाँ पे, 80। आई थिंक समझ में आ गया। इसके बाद देखो 8105, ये क्या है इसका नंबर्स, इसमें से हमें क्या लिखनी है, इसकी फेस वैल्यू। फेस वैल्यू वो होती है जो नंबर्स दिए होते हैं उनमें जो सर्किल होता है वो उसकी क्या होती है, फेस वैल्यू। सर्किल किस पे है, 0 पे, तो इसकी फेस वैल्यू क्या हुई, 0, ठीक है। इसके बाद देखो ये कितना है, 0। इसके बाद कितने डिजिट हैं, 2, मतलब ये कौन सी फॉर्म में है, टेंस फॉर्म में, तो ये इसकी फेस वैल्यू क्या होगी, 00। इसके बाद ई वाला देखो, इसमें फेस वैल्यू जिस पे सर्किल होता है वो उसकी क्या होती है, फेस वैल्यू। किस पे है, वंस फॉर्म पे, तो इसका कितना होगा, 0। और कौन सी फॉर्म है ये, वंस फॉर्म, तो इसकी पैलेस वैल्यू भी क्या होगी, 0, ठीक है। इसके बाद देखो ये कितना है, 596 है। इस पे जो सर्किल किस पे है, 9 पे, मतलब कौन सी फॉर्म है ये, टेंस फॉर्म, तो इसकी फेस वैल्यू क्या होगी, 9, ठीक है। इसके बाद हम क्या लेंगे, इसकी पैलेस वैल्यू। पैलेस वैल्यू में देखो ये कौन, 9 किस फॉर्म में है, टेंस फॉर्म में, तो 90, ठीक है। इसके बाद देखो जी वाला, 4 किस फॉर्म में है, 1000 फॉर्म में, ये 100 फॉर्म में, ये कितना है, टेंस फॉर्म में एंड वंस फॉर्म में, तो कितना है, 4275। जिस पे सर्किल होता है वो उसकी क्या होती है, फेस वैल्यू। यहाँ पे सर्किल किस पे है, 4000 पे, तो इसकी फेस वैल्यू क्या हुई, 4, ठीक है। इसके बाद देखो 4 किस में है, 1000 फॉर्म में, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, उसकी पैलेस वैल्यू क्या है, 4000। दोबारा से रिपीट करती हूँ, जो नंबर्स दे रखे होते हैं उसमें जो सर्किल होता है वो उसकी क्या होती है, फेस वैल्यू। देखो हमको ये डिजिट दे रखा है, उस पर सर्किल किस पे है, 3 पे, तो ये इसकी क्या हुई, फेस वैल्यू। और पैलेस वैल्यू इसके बाद जितने डिजिट आते हैं, जैसे 3 किस फॉर्म में है, 1000 फॉर्म में, तो इसकी पैलेस वैल्यू क्या होगी, 3000। इसके बाद सेकेंड वाला न्यूमेरिकल देखो, इसमें सर्किल किस पे है, 6 पे, ठीक है, और किस फॉर्म में है, 1000 फॉर्म में, तो ये कितना होगा, 6000। इसके बाद देखो सर्किल किस पे है, 8 पे, तो इसकी फेस वैल्यू क्या होगी, 8,
लेकिन ये किस फॉर्म में है, टेंस फॉर्म में, तो कितना होगा 80। इसके बाद देखो ये जीरो किस फॉर्म में है, टेंस फॉर्म में, तो इसकी फेस वैल्यू जीरो और ये भी डबल जीरो, ठीक है। इसके बाद ई ये कौन सी फॉर्म में है, टेंस फॉर्म, वंस फॉर्म में, तो इसकी पहले वैल्यू क्या होगी, जीरो। इसके बाद नाइन किस फॉर्म में है, टेंस फॉर्म में, तो इसकी फेस वैल्यू क्या होगी, नाइन, और किस फॉर्म में है, टेंस फॉर्म में, तो 90, ठीक है। इसके बाद फोर किस फॉर्म में है, थाउजेंड की फॉर्म में, तो फोर इसकी क्या हुई, फेस वैल्यू, और किस फॉर्म में ही, थाउजेंड फॉर्म में, तो 4000 किस क्या हुई, पहले वैल्यू, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फोर देखो, फिल इन द ब्लैंक्स, मतलब कुछ डिजिट दे रखे हैं उनको देख के हमें फिल करना है। देखो इन 2586 इज एट ए पैलेस, मतलब जो डिजिट दे रखे हैं, जो नंबर दे रखे हैं, उनको देख के हमें उनकी पैलेस बतानी है कि ये कौन सी फॉर्म में है। देखो सिक्स कौन सी फॉर्म में, यहाँ पे वंस फॉर्म में, टू किस फॉर्म में है, थाउजेंड फॉर्म में, फाइव किस फॉर्म में है, हंड्रेड फॉर्म में, एट किस फॉर्म में है, टेंस फॉर्म में, और सिक्स किस फॉर्म में है, टेंस फॉर्म में। तो सिक्स इज एट ए वंस पैलेस, कौन सी फॉर्म हुई इसकी, वंस पैलेस, ओके। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन देखो, इन 3408 इसमें थ्री क्या है, कौन सी फॉर्म में, 3000 फॉर्म में, फोर किस फॉर्म में है, हंड्रेड फॉर्म में, और एट किस फॉर्म में है, वंस फॉर्म में। तो किसके लिए पूछ रहा है, थ्री के लिए, थ्री इज एट ए, तो थ्री किस फॉर्म में हुआ, थाउजेंड फॉर्म में, तो ये कौन से पैलेस हुआ, ये थाउजेंड पैलेस, टी एच ओ यू एस ए एन डी, ठीक है। इसके बाद देखो थर्ड वाला, सी इन 4761 सिक्स इज एट ए, जो नंबर दिए हुए हैं उसमें सिक्स कौन सी पैलेस है, कौन सा स्थान है। देखो फोर कौन सी फॉर्म है, थाउजेंड फॉर्म, सेवन कौन सी फॉर्म है, हंड्रेड फॉर्म, सिक्स कौन सी फॉर्म है, टेंस फॉर्म, और वन कौन सी फॉर्म है, वंस फॉर्म। तो सिक्स कौन से नंबर पे है, टेंस फॉर्म में, तो कौन सी फॉर्म आएगी, टेंस पैलेस, कौन सा पैलेस हुआ, टेंस पैलेस। इसके बाद देखो इन 6017 शून्य इज एट ए, मतलब इसमें जीरो कौन सी फॉर्म में, सिक्स कौन सी फॉर्म में, थाउजेंड फॉर्म में, जीरो हंड्रेड और वन टेंस में, और सेवन वंस में, तो जीरो कौन सी फॉर्म में हुआ, हंड्रेड फॉर्म में, तो कौन सा पैलेस हुआ, हंड्रेड, ठीक है। इसके बाद देखो ये डिजिट दे रखा है इसमें, फोर किस फॉर्म में, थाउजेंड फॉर्म में, फाइव किस फॉर्म में है, हंड्रेड फॉर्म में, टू टेंस फॉर्म, और नाइन वंस फॉर्म में, तो कौन सा पैलेस पूछ रहा है, नाइन इज एट ए, नाइन कौन सी फॉर्म में हुआ, वंस फॉर्म में, ठीक है। इसके बाद देखो एफ इन 7680 तो कौन सा पूछ रहा है, सेवन, तो सेवन किस फॉर्म में है, थाउजेंड फॉर्म में, सिक्स हंड्रेड फॉर्म में, एट कौन सी फॉर्म में है, टेंस फॉर्म में, और जीरो वंस फॉर्म में, तो कौन सा स्थान पूछ रहा है, सेवन, तो सेवन कौन सी फॉर्म में हुआ, थाउजेंड थाउजेंड फॉर्म, ठीक है। एक बार दोबारा से रिपीट करूँगी, देखो कुछ नंबर्स दिए हुए होते हैं उसमें जो सर्किल है उसको देख के हमें उसकी पैलेस वैल्यू बतानी है। 2586 सिक्स इज एट ए, कौन सिक्स कौन से नंबर पे है, वंस फॉर्म में, ठीक है। सेकंड वाले में कौन सा पूछ रहा है, थ्री, तो थ्री को किस फॉर्म में, यहाँ पे थाउजेंड फॉर्म में। इसके बाद कौन सा पूछ रहा है, 4761 सिक्स के लिए पूछ रहा है, तो सिक्स यहाँ कौन सी फॉर्म में है, टेंस फॉर्म में, तो क्या होगा, टेंस। इसके बाद कितना है, 6017 तो जीरो के लिए पूछ रहा है, तो जीरो कौन सी फॉर्म में है, हंड्रेड पैलेस, कौन सा पैलेस हुआ, हंड्रेड पैलेस। इसके बाद देखो 4529 नाइन कौन सी फॉर्म में हुआ, वंस फॉर्म में। इसके बाद है 7680 तो सेवन कौन सी फॉर्म में है, थाउजेंड फॉर्म में। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।